हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इशरत फैमिली व्लॉग्स। तो ये मासूम के शादी का सेकंड पार्ट। तो ये व्लॉग में मैंने बताया हूँ विदाई के टाइम पे सब कितने इमोशनल हो गए थे, तो लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। खाना बहुत अच्छा था, कैसा लगा आपको? आपने खाए? ये क्या बदतमीजी है शम? और सब लोग इसको प्यार कर रहे थे, हमारे पीछे बैठा था ना, तो पीछे जो अंकल लोग थे सब इसको बहुत प्यार कर रहे थे। इधर साइड में दूल्हा दुल्हन और उधर भाईजन का अपना ही शूट चल रहा है। प्री वेडिंग मासूम को सताया जा रहा है। सताया मासूम को, ए सातो। मासूम का फोटो शूट हो रहा है, इन लोग हंसा रहे हैं उधर और बेचारे कैमरे मैन को बहुत परेशानी। नाइस पोज। अरे वाह, यहाँ पे ना दोनों का फोटोशूट चल रहा था, कपल फोटोशूट, तो हम लोग सब ना उसको हंसा रहे थे मजाक मस्ती में। दिक्कत तो हंस रही क्या कर रही? अरे जान दे, हाँ आदम भाई तो बहुत शरीफ है। तो मैंने कैप्चर की हूँ मासूम को, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी माशाल्लाह। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, मीटअप चालू है सबका। टोटल ग्रीन व्यू कंपनी, अरे हम क्या एक साथ अल्लाह हमको मिलने ही नहीं दिया, पहले ही फोटो खींचने खड़े हो गए लोग। यहाँ पे देखिए फोटो शूट हो रहा है, तो बिल्कुल रेडी हो गए, फोटो क्लिक हो रहा है गाइस। और ये इनकी पूरी फैमिली का एक साथ फोटो है। तो ये दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा, ये देखो ये कैसा बैठा है, लोग सब बैठे हैं। अरे हाँ हाँ, इन दोनों दोस्त देखो, ये मम्मा के साथ बैठा है। अब्बा नहीं रुकते खाना, यह अब्बा की बात चल रही है, अब्बा गए क्या? और अब्बा नहीं रुकते, अब्बा खाना खाने के बाद वैसे ही चले जाते। यहाँ पे ना सब ओल्ड वुमेन ने ना फोटो क्लिक कर रहे थे भाभी जी को छोड़ के, मतलब ओल्ड वुमेन मतलब मेरे अम्मी मम्मा गोसे आंटी वगैरह इन लोग। यहाँ पे मैं साजिद मम्मा है ना खड़े थे फोटो क्लिक करने के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ, ताकि उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे, बधाइयाँ दे उनसे मिलने के लिए। वाहिद मामू और सारा आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम लोग है ना उनको सता रहे थे, उनके मजे ले रहे थे गाइस। सो अभी हम लोग तीनों मिलने आ गए और मासूम मिल रही है, देखो शास को भी प्यार कर रही है, अभी मम्मा मिलेंगे। और शास साजिद पहले ही मिल चुके हैं गाइस, और मासूम है ना बहुत प्रीटी लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना माशाल्लाह। सो यहाँ पे अभी हम लोग फोटो क्लिक कर रहे दुल्हन के साथ और शम्स चला गया इधर। अभी पिज़्ज़ा और शेजिन जा रहे शूट करने, बड़ू लोग का नंबर नहीं आया। वो टाइम से लोग खड़े हैं लेकिन उन लोग का नंबर नहीं आ रहा। और ये बोल रहा है मती। सब है ना मासूम के राइट साइड में ही खड़े थे, उधर उस तरफ कोई जाने तैयार नहीं था। फिर कैमरामैन ने चिल्लाया ना तो शेजिन चले गए, तो सब हंस रहे थे उसके ऊपर। तो अभी इन लोग का फोटो क्लिक हो रहा है, फाइनली नंबर आ गया इन लोग का, बेचारे लोग का। पहले मेरा निकलता है, इधर इधर सारे मेरा कौन निकालेगा, तेरा फोटो कौन निकालेगा? व्लॉग स्टार्ट। इधर इन लोग दोनों का फोटो, हाँ बहुत अच्छा, जबरदस्त, हाँ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हाँ बहुत अच्छा। कितने अच्छे फोटो आए देखो गाइस। जा रहे तो गोश आंटी से मिल रहे और शास भी हो रहा है, शास भी जा रहा है। बस
इधर शायद जा रहे गाइस, दूल्हा दुल्हन नीचे उतर रहे हैं। अभी जा रहे खाना खाने गाइस। मुस्त अंकल को खाने के लिए इंजेस्ट करे जा रहा है। मुस्त अंकल बोलते मैंने खा लिया। लोग इधर सारा आंटी और वाहिद मामू की एनिवर्सरी है 12 बजे के बाद, तो वही डिस्कस चल रहा है। देखो सबको ला ला के दे रहे मरियम आंटी। मैं को नहीं चाहिए मरियम आंटी। काय की छुट्टी? काम की। देखो छुट्टी है। अरे वाह क्या बात है। मजबूत सो जाओ। तुम सोना है कल? कैसा है? नहीं मरियम आंटी इधर सबको खिला रहे जलेबी लबड़ी। हाँ अपना एक तरफ खाएंगे फिर। मैं तो वो बीच में खाएंगे वो। पहले मुझे मेरे स्टेज पे सारे देना है ना। ना उस टाइम पे ना तेरा खाते में क्या उसका भी तेरा भी पेड़ उसको भी पिज़्ज़ो मिले हवा में एकदम फिनिश। वी तुम कौन हम कौन? ए वी सारा आंटी भी कौन है? हाँ कौन ने? ए सारा आंटी कौन है? उनको भी नहीं पहचानेंगे बराबर। ए तुम लोग ये क्या क्या ला रहे मम्मा? ये आरित का है। ये आरित का है क्या? इन लोग इधर बहुत मस्ती कर रहे हैं। बहुत शम्सो को ज्यादा ही मस्ती कर रहा है। फोटो शूट चल रहा है। ओहो पपैया है पाइनएप्पल मम्मी का है। ये तो बनता है कांडी ना है। मैंने मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मुबारक। वाइट माउ का है गए 12 बजे शादी की सालगिरह मुबारक हो आप। वाइट मामू लगता है कुछ लाने गए। ये देखो क्या चल रहा है। बीबी आंटी भी आज मस्त लग रहे गाइस। अरे हमारी बीबी आंटी बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह अल्लाह भौरानी सासू माँ भौरानी सासू माँ। अरे गए 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 अक्का अरे बाप रे अरे बाप रे। अक्का फोटो शूट कभी खत्म होगा। शम्स खूब खेल रहा है। शम्स खूब खेल रहा है। अभी घर पे आके बोलेगा कि मेरा पैर दुख रहा है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विदाई को। सो अभी सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट दुल्हन की विदाई का स्टार्ट हो गया। मासूम ने अभी कुरान पकड़ी। हमारे इसमें कुरान लेके आए थे। कुरान की पेटी की डिज़ाइन ना काबे के स्टाइल में गई। और मासूम ने पकड़ी ना तो मासूम और क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह किसी की नज़र ना लगे माशाल्लाह। ये दुल्हन के मम्मी है गोसी आंटी। तो माँ के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है गाइस। आप लोग ने सुने होंगे मासूम कितने ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। एक लड़की के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि किसी और के घर पे जाना है एडजस्ट होना है। और मासूम अभी कोई सेंटी उसको कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे शायद से समझा रहे थे उसे। ये मुश्ताक अंकल है मासूम की डैडी। सो अभी मेरे अम्मी आए मिलने के लिए और बहुत रो रहे थे अम्मी और मासूम गले लग के क्योंकि है ना बचपन से मासूम साथ में ही रहे ना तो उनका रोना कंट्रोल नहीं। यहाँ पे ना अम्मी हम लोग को बोल रहे थे कि जाओ मिलने उसको लेट हो रहा है लेकिन हम लोग से मिलने ही नहीं जाने हो रहा था इतना रोना आ रहा था। और निक्कत बहुत रो रही थी क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में है ना फिजा निक्कत इन लोग तो है ना वो उन लोग बहुत रो रहे थे। फिर अभी मैं मिलने गई कैसा वैसा मिलने गई
बहुत रोना, मतलब पीछे पिछले दिन बहुत याद आ रहे थे कि इन लोग कैसा खेलते थे सब, मेरे पास आके सोनी दीदी ये क्या है बोलते थे। फिज़ा और निकत मासूम से मिल रहे गाइस, और तीनों इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। फिज़ा बोलती है मुझे सब फ्लैशबैक याद आ गया कि हम लोग कैसा खेलते थे, कैसा जाते थे। इन लोग हैं ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे ना जिसकी कोई हद नहीं है गाइस। एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं थे, दिन रात मासूम हम लोग के इधर, फिजू मासूम के इधर, ऐसा ही था। तो इन लोग का रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी शेजीन आई गाइस मिलने के लिए, अभी मासूम जाएंगी अभी भाई लोग से मिलके। इतना रो रही बेचारी, थक गई होंगी रोते रोते, इतना सर भी दर्द दे रहा होगा उसका। अभी भाईजान मासूम से मिलने आएंगे, ये मासूम का बड़ा भाई है आफाक, हम लोग इसको सब भाईजान बोलते हैं। और भाई लोग का तो प्यार अलग ही होता है, आप लोग को पता है, कितना भी करो भाई लोग अलग ही लेवल का प्यार करो। ये आमिर है इसका छोटा वाला भाई गाइस, ये दोनों से मिलके बहुत रोई बहुत, और आमिर भी बहुत रो रहा था, भाईजान भी रो रहा था गाइस। अभी इसको लेके जा रहे हैं। ये आमिर की वाइफ है और मासूम की भाभी है। यहाँ पे मासूम कार के पास आ गए, उसकी विदाई हो रही है। आमिर ने उसके लिए डोर खोला बहन को विदा करने के लिए। कितना डिफिकल्ट मोमेंट रहता है ना। मासूम का लहंगा है ना बहुत हैवी था, तो है ना कार में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो दोनों भाई मिलके ना एडजस्ट कर रहे थे उसका लहंगा। भाई लोग का प्यार ही ऐसा होता है। आमिर उसका कुरान पकड़ के कराया था कि बहन जाए तो उसके हाथ में दे। मासूम बैठ रही है अभी गाइस, बहुत रो रही थी, बहुत अभी तक बहुत रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी दूल्हा बैठेंगे, दूल्हे राजा आगे बैठेंगे, और क्या पता कुछ इन लोग की फैमिली कुछ डिस्कस कर रही थी कि कौन कैसा जाएगा, क्या जाएगा, किसके साथ जाएगा। आमिर उसको एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था मत रो, मैं हूँ, और प्यार कर रहा था उसको। इतना प्यारा मोमेंट था ना, उसको भेज दिया एकदम, बोलते ना सीने पे पत्थर रख के बहन को भेजना बहुत भारी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बचपन से लेके उसने उन लोग ने संभाले दोनों भाइयों ने मिलके। सो फाइनली कार स्टार्ट हो गया और मासूम विदा हो गई गाइस। उसके लिए ढेर सारी दुआ करना, और अल्लाह उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और खुश रखे। उन रोना धोना हो गया, अभी हम लोग जा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इशरत फैमिली ब्लॉग्स। और मासूम की विदाई हो चुकी है, शादी बहुत अच्छी हुई गाइस, बहुत अच्छे से हुई। देखो भी नहीं आया, देखो भी आया रोना। हाँ शम्स को भी रोना है, शम्स ने बहुत इंजॉय किया। तो बहुत सारा प्यार दीजिए, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते जाएंगे। बहुत सारी शादी पेंडिंग है, अब होने वाली है, तो ऐसे ही ब्लॉग्स आएंगे गाइस। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल इशरत फैमिली ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़ शम्स से, अल्लाह हाफिज़।